नमस्कार, आइए केटीएन डेलीज पर जानते हैं आज पूरे दिन में क्या खास रहा। तो शुरुआत करते हैं प्राइड से। जी हाँ, प्राइड। मोदी सरकार ने तय किया है कि अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। यही तो है सबका साथ सबका विकास। तो क्या इसका ये मतलब समझे कि जहाँ पे PMJAY अभी भी लागू नहीं हुआ है वहाँ ट्रांसजेंडर राइट पर सवालिया निशान है? सवालिया निशान तो अपोजिशन के मोटिवेटेड कैंपेन पर लग गए हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने पाया कि दिए गए 29 फोन में मैलवेयर नहीं है और कोई भी तरह के स्पाइन के सबूत भी नहीं पाए गए। याद है ना, राहुल गांधी और कांग्रेस ने पेगासस जासूसी पर कितना शोर मचाया था। ये वो ही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कभी खुद स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की जासूसी कराई थी। वैसे कांग्रेस की क्या ही बात करें। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रिज के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि वहाँ के SSP की लापरवाही है। इससे साफ होता है कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने पीएम की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया था। राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पर अगर एक भी उंगली उठती तो पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता। तो देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के इस मामले पर कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? तो चलिए कल 7 बजे फिर मिलते हैं KTN डेलीज पर।